ओम शांति। मेरे शरीर का नाम अर्चना है। पिछले 8 सालों से मैं ज्ञान में हूँ। तो ज्ञान से पहले जो मेरा जीवन था वो एक ऐसी नैया की तरह था जिसकी कोई पतवार नहीं थी, मालूम नहीं कहाँ जाना था। परंतु जब से बाबा का ज्ञान मिला है तब से जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल गई। बचपन से मैं कहूँ तो एक अनाथ की तरह मेरा जीवन बीता। जब बड़ी हुई तो फिर लोगों के ताने सह के बड़ी हुई। हर तरफ एक स्वार्थीपन मुझे नज़र आता था। शादी के बाद भी वो हर तरफ से जिम्मेवारियाँ मेरे ऊपर थी। किसी को सेटिस्फाई करने की सबको कोशिश की, पर सबकी अप अपनी इच्छाएं थी, अप अपनी भावनाएं थी, पर फिर भी करती रहती थी। हस्बैंड आर्मी में है तो जिम्मेवारियाँ फिर भी खुद को और ज़्यादा मुझे डंप करती गई। और एक दिन आया कि मेरा जो पूरी टांग और बाजू है वो बिल्कुल काम करना बंद कर गई और मैं बीमारी से जूझ रही थी। तो डॉक्टर ने बोला कि आपने स्ट्रेस नहीं लेना है और आप स्ट्रेस लेते हो, इसकी वजह से आपको ये हुआ है। परंतु अब डॉक्टर को कैसे बताऊं कि मुझे क्या मानसिक प्रॉब्लम है या किस तरह से हमारा पुरुष प्रधान देश है तो एक नारी को हमेशा पाँव की जूती की तरह समझता है कि उससे सारे काम कराओ, परंतु उसके बारे में हमें कुछ भी वो हमारे बारे में अगर सोचना है या हमारा ध्यान रखना है या हमें समझना है तो वो नहीं होना चाहिए, या हम अगर खुद करना चाहे तो हमारी जो इच्छाएं है वो दबनी चाहिए और सबकी जो कामना है वो पूरी होनी चाहिए। इस तरह से हम सभी जानते हैं कि हमारा समाज किस तरह से था या है। तो फिर जब मैं ज्ञान में आई तो उसके बाद मुझे यहाँ पर आके जो प्यार मिला और बहनों का जो निस्वार्थ प्रेम जिसके लिए मैं तड़पती थी और भगवान का जो सत्य परिचय जिसके लिए मैंने इतने व्रत किए इतनी भटकी में, तो वो जब सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ तो मेरे जीवन की जैसे दशा ही बदल गई। मेरी नाव को एक पतवार एक माही मिल गया जो मुझे सही राह तक ले जा रहा था। परंतु ज्ञान के में आने के बाद भी जीवन इतना सरल तो था बट परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा हावी थी कि आश्रम के लिए भी कई बार हमें बंधन होते थे। परंतु हम लोगों ने बाबा को इतना शुक्रिया अदा हम करना चाहते हैं कि हमें पूरी नारी जाति को उन्होंने इतना ऊपर उठाया, इतना निस्वार्थ प्रेम हमें किया है, इतना मतलब जीना सिखाया है। नहीं तो पुरुष प्रधान देश में एक नारी अपना अस्तित्व ही खोती जा रही है। हर जगह परिस्थितियाँ चलो कई जगह अच्छा भी है, परंतु हमारा जितना भी मैक्सिमम औरतों के लिए है वो बंधन से युक्त समाज है। वो अपने हिसाब से जी नहीं सकती, पढ़ नहीं सकती, अपनी जीवन जी मतलब अपने तरीके से गुजार नहीं सकती। परंतु बाबा ने हमें सिखाया कि हमें कैसे जीना है। बाबा ने हमें सिखाया कि कैसे शक्ति रूप में रहना है। बाबा ने सिखाया कि तुम कौन हो, नहीं तो हम तो पाँव की जूती बनकर रह गए थे। हमारा जीवन एक पति पति तक भाई तक मतलब फैमिली में इसी में ही बंद हो गए थे। हमें नहीं मालूम था कि हमारा इतना बड़ा अस्तित्व है, हमारी इतनी बड़ी इज्जत है। हम हमेशा दूसरों के काम आने वाली वस्तु बनकर रह गए थे, लेकिन बाबा ने हमें इतना ऊंचा उठाया। दीदियों का निस्वार्थ प्रेम हमें इतना ऊंचा ले गया कि आज हम सक्षम हैं हर परिस्थिति का सामना करने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि हमें बैलेंस रखना सिखाया। आज हम अपना घर को भी संभाल रहे हैं और उसके साथ साथ हम बाबा के कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। और जब से हम बाबा के बने इतनी हिम्मत हम लोगों में आ गई कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ पा रहे हैं, और साथ ही हम और महिलाएं जो हमारी तरह है उनको भी हम ऊपर उठा रहे हैं। वो भी आज बाबा के आने के बाद बाबा के ज्ञान में चलने के बाद इतनी ज़्यादा खुश है, हमारा थैंक्स करती है जिनको भी हमने ज्ञान दिया है। तो सभी को मेरी यही एक संदेश है कि मेरी तरह जितनी भी बहनें हैं डिप्रेशन की शिकार है या स्ट्रेस में है या उन्हें कोई समझ नहीं रहा है या उनकी मनोस्थिति का जो हाल है, उन सब का ही एक जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे है। आप सभी भी यहाँ आए और बाबा से सत्य परिचय बाबा का ले और दीदियों का जो निस्वार्थ प्रेम है उनका जो सहयोग है उसे एक बार आजमाएं और अपने जीवन को खुशनुमा बनाएं। क्योंकि जिस तरह से मेरा जीवन बदला है, आज मैं यहाँ पे आपके सामने अपना अनुभव सुना रही हूँ, तो मुझे 8 साल ज्ञान में चलते हुए हो गए, तो वो 8 साल का मुझे कोई पता नहीं, मुझे लग रहा 8 दिन हुए हैं मुझे ज्ञान में। और वो उससे पहले की ज़िंदगी मेरे लिए एक एक पल नरक की तरह थी। मैं जी रही थी पर मेरे अंदर जीने की उम्मीद नहीं थी। क्यों? क्योंकि समाज की जो परिस्थितियाँ थी, जो लोग थे, उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा डंप कर दिया था
कि मैं जिंदा रहने की उम्मीद खो चुकी थी, लेकिन बाबा ने आज इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है मुझे कि मैं हर अपने घर को भी संभाल रही हूँ, बच्चों को भी। बाय प्रोफेशन में एक टीचर थी कोरोना से पहले, तो मेरा स्कूल में भी हमेशा यही रहता था, बच्चे बहुत खुश रहते थे कि देखो साइलेंस वाले मैम आ गए। मैंने हमेशा बच्चों को उनको साइलेंस में बिठाना सिखाना है भी। अभी धीरे धीरे क्योंकि हमें जो हमारा जो स्कूल था वहाँ साईं की जो है वो ज़्यादा मानते थे, तो ज़्यादा हम ओपन नहीं हो पाते थे, बट फिर भी उनको एक नॉलेज तो देनी थी मुझे। तो आज वही जो मैम है वो भी इम्प्रेस्ड है कि नहीं मैम आप जब तक यहाँ पे थे तो हमारा मतलब एक अटैचमेंट अच्छी थी सबके साथ, मतलब एक सहयोग की भावना थी। तो मतलब बाबा ने हम हर जगह अलग से ही यूनिक बना के रखा है। जैसे उनका फंक्शंस होते थे तो खाने पीने का हमारा नहीं रहता था, तो सभी सोचते थे कि देखो इन्हें क्या चीज़ मिली है जो इतने सारे पकवान को छोड़ के भी ये जो है हम तो फ्रूट भी नहीं लेते थे, अपना पानी लेके जाना है कि मैम नहीं, सबको पता होता था। तो सभी हैरान रहते थे कि इतना भी क्या मिला है आपको जो आप लोग हमारा इतना कुछ जो है स्वीकार नहीं करते। तो उन्हें क्या मालूम कि हमें कितनी बड़ी यहाँ पे प्राप्ति हुई है, कितना पवित्र हमें यहाँ भोजन मिलता है। तो इस चीज़ के लिए मैं बाबा का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि मेरा हाथ उन्होंने पकड़ा, मेरे सिर पे अपना हाथ रखा, मुझे अनाथ को सहारा दिया। और दीदियों का, आपकी दीदियों बाबा के रूप में दीदियाँ हमें इतना प्यार करती है, इतनी निस्वार्थ प्यार, क्योंकि जो बाहर की दुनिया है वो स्वार्थी है, उन्होंने हमेशा हमें स्वार्थ के लिए यूज किया है और यूज करने के बाद थ्रो किया है। बट यहाँ पे बाबा ने सिर पे बिठाया है, हर परिस्थिति को समझा है, हर सोल्यूशन दिया है, कदम कदम पे हमें जीना सिखाया है। तो मेरा आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी भी एक बार 7 डे का कोर्स कीजिए। यहाँ पे कोई पैसा नहीं है, निस्वार्थ यहाँ पे सेवा है, और फिर आपकी प्राप्ति देखना कि आपका जीवन कैसे खुशहाल बनता है और कैसे आप अर्श से फर्श तक, फर्श से अर्श तक आप जाते हैं। इस बात में मैं साक्षी हूँ कि मैं मिट्टी में मिलने वाली थी, मतलब मेरे जीने की उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन बाबा ने मुझे फिर से नया जीवन दिया है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और पूरी नियम धारणाओं पे मतलब उन चीज़ों को छोड़ने का दुख नहीं है, खुशी है, मुझे प्राप्ति है। सभी बोलते हैं कि आपने लहसुन प्याज का त्याग किया है आपके शरीर में पेन हो जाएगी, बट मेरी जो शरीर की पेन थी, मेरी जो टांग और बाजू सुन्न थी, वो सारी ही चली गई। ये मैं जीता जागता उदाहरण हूँ कि कोई डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर सका, बाबा ने मुझे ठीक किया है। तो यही मेरा सबसे संदेश है कि आप सभी भी आइए, बाबा का ज्ञान लीजिए। परमात्मा आया है तो उसे पहचानिए और उसे अपना साथी बनाइए। ओम शांति।